हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि रेल की पटरी को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। पहले इसको लिक्विड से धो करके इसको अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। अच्छे तरीके से साफ करने के बाद इसमें मोल्ड को फिट किया जाता है। दोस्तों, मोल्ड एक प्रकार का कवर है जो पिघले हुए मेटल को फैलने नहीं देता है। मोल्ड को अच्छे तरीके से टाइट करके फिट किया जाता है ताकि अपनी जगह से बाद में हिले ना। मोल्ड को अच्छे तरीके से फिट करने के बाद दोस्तों इसके साइड के गैप को दोस्तों रेत से अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाता है। ये नॉर्मल रेत बिल्कुल भी नहीं है, खास प्रकार का रेत है। इसके बाद दोस्तों इसमें बारूद को डाला जाता है। दोस्तों, ये नॉर्मल बारूद बिल्कुल भी नहीं, इसमें मेटल भी मिला हुआ रहता है। बारूद में आग लगा दिया जाता है, इससे काफी ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होती है, कारण मेटल पिघल करके इसके अंदर चला जाता है। इसके कारण रेल के पट्टी आपस में बेल्ट होकर के अच्छे तरीके से जुड़ जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस बकेट को साइड कर लिया जाता है। रेल पर हाइड्रोलिक मशीन को अच्छे तरीके से फिट कर लिया जाता है। दोस्तों, ये हाइड्रोलिक मशीन पेट्रोल से चलती है। हाइड्रोलिक मशीन को फिट करने के बाद दोस्तों हाइड्रोलिक मशीन को चालू कर दिया जाता है, जिससे फालतू मेटल को हाइड्रोलिक मशीन से काट करके अलग कर लिया जाता है।